पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को शादी की बीजेपी, बिजली और गन्ना के बकाए को लेकर सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। बिजनौर में बीजेपी एमएलए के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं को टिकट मांगना पड़ा महंगा, विधायक के बेटे ने की पिटाई। नहीं थम रही नीतीश की नाराजगी की अटकलें, धर्म मोदी विरोधी बाघेला से गुपचुप मुलाकात। महाराष्ट्र में हिंदी भाषी ओबीसी वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर, उद्धव सरकार लाएगी अध्यादेश। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने जारी की 100 संभावित प्रत्याशियों की सूची। कन्हैया कुमार ने की राहुल गांधी से मुलाकात, राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस का दामन थामने को लेकर अटकलें तेज। अब्दुल्ला आजम खान को फर्जीवाड़ा मामले में मिली जमानत, जल्द सीतापुर जेल से होंगे रिहा। संजय निषाद का यूपी में है ऐसा राजनीतिक प्रभाव, भाजपा के साथ क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव। योगी के अब्बा जान वाले बयान पर नहीं थम रही सियासत, स्मृति ईरानी ने किया बचाव तो अखिलेश ने सादा निशाना। प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, बोले सलमान खुर्शीद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।